तो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, मैं पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि यदि आपने ये वीडियो थोड़ी सी भी स्किप कर दी तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर 7 बार दबाना है, 7 बार दबाने से क्या हो जाएगा आपके मोबाइल में, क्या उसका फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है और अबाउट फोन वाली सेटिंग में जाना है। ठीक है, और अबाउट फोन वाले सेटिंग में जाने के बाद सभी के मोबाइल में एक सेटिंग रहती है जिसका नाम होता है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन सेटिंग, वहां पर जाना है और बिल्ड नंबर मिलता है, बिल्ड नंबर पर 7 बार दबाना है। ठीक है, अब यहां पर 7 बार दबाने से क्या होगा, आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इसके बाद आप वापस आएंगे और सबसे नीचे डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग मिलेगी, डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लेंगे अपना और यहां पर एक सेटिंग को खोजेंगे जिस सेटिंग का नाम होगा OEM अनलॉक। ठीक है, तो OEM अनलॉक वाली सेटिंग को आपको ऑन कर देना है। ठीक है, इसको ऑन करने के बाद एक्टिवेट जो है इसको कर देना है। अब दोस्तों, इस सेटिंग को ऑन करने से क्या फ़ायदा हुआ वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसको ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, अपने डायलर पैड पर जाना है, यहाँ पर आपको एक कोड डायल करना है, लेकिन ये कोड फिलहाल सिर्फ मेरे लिए है, आपके लिए कैसा आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैंने डायल कर दिया *#8080#। आपके मोबाइल में ये कोड अभी काम नहीं करेगा, पहले आपको कुछ करना होगा। जैसे मैंने ये कोड डायल किया, इसके बाद आप देख सकते हो सिम कार्ड चेंज नोटिफायर का एक एक्सटेंशन सेटिंग, ठीक है, मेरे मोबाइल में ओपन हो चुकी है। आपके मोबाइल में ये सेटिंग ये कैसे आएगी, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी या फिर बोल दे तो सिम कार्ड की सेटिंग का एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक दूंगा मैं वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अब दोस्तों इसका फ़ायदा क्या है थोड़ा सा वो समझ लीजिए। इसका फायदा ये है, कल यदि आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई दूसरा बंदा आपके मोबाइल में सिम डालता है, तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिक उस सिम से एक मैसेज भेज देगा, जो मैसेज आप यहां पर डालकर रखेंगे। ठीक है, इस नंबर पर आपके मोबाइल की लोकेशन और उस सिम का मोबाइल नंबर क्या है, जिससे कि आप फिर अपने सिम को खोज सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब OEM लॉक हमने ओपन क्यों किया, जो जहाँ पर हमने 7 बार दबाया था, उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। ठीक है, उसका क्या फ़ायदा है वो अभी आपको पता चल जाएगा, पहले इसका कुछ समझ लीजिए, इसकी कुछ सेटिंग समझ लीजिए। ठीक है, कि आपका खोया हुआ मोबाइल यदि खो जाए, ये मतलब आपका मोबाइल खो जाए तो आप तक वो कैसे आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नाम और वो मोबाइल नंबर डाल लेंगे जो आपके घर पर रहता है, ठीक है, ओके, जिसपे सारी सूचना मिलेगी आपको। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर वो डालने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर कुछ सेटिंग करनी है। वो सेटिंग कहाँ से मिलेगी आपको, सबसे ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन है, यहाँ पर सेटिंग मिल जाएगी आपको। और सबसे पहले वाले सेटिंग है लोकेशन सेंडिंग टाइम ट्रेवल, तो यहाँ पर आप 5 मिनट रखेंगे। दूसरी सेटिंग है #2 show the app, ठीक है, तो यहाँ पर आप एक कोड बना लेंगे, जैसे मैंने बना रखा है *#8080#, यहाँ पर इस तरह से आप एक कोड बना लेंगे, इसके बाद इसको आप ओके कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये कोड यहाँ पर आप इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये सेटिंग डाउनलोड होने के बाद दिखाई नहीं देती है, इस कोड को डालने से ही ओपन होगी ये सेटिंग। ठीक है, तो चोर को ये सेटिंग दिखेगी नहीं और वो इसको डिलीट नहीं कर सकता। लेकिन अब आप कहोगे कि डिलीट तो कर देगा क्योंकि हम मोबाइल को हार्ड रिसेट कर लेगा वो, तो मैंने आपसे OEM लॉक ओपन करा है 7 बार दबाकर, वो इसलिए करा है क्योंकि जिस मोबाइल का OEM लॉक ओपन रहता है उसको कोई बाहरी सॉफ्टवेयर हार्ड रिसेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ से अब आप इसके एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन ऑन करेंगे और यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बना लेंगे कुछ भी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पासवर्ड बनाने के बाद आप इसको बैक करेंगे एप्लीकेशन को और यहाँ से एक SMS को सेंड करेंगे, टेस्ट लिखा रहता है, टेस्ट करेंगे यहाँ पर और चेक करेंगे कि ये जो सेटिंग है ये काम कर रही है, ये एक्सटेंशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है आपके मोबाइल में। तो आप ऊपर देखेंगे एक मैसेज आ चुका है कि आपके मोबाइल में जो सिम नोटिफायर की सर्विस है वो एक्टिवेट है आपके मोबाइल के अंदर, और यदि कोई सिम चेंज होता है आपके मोबाइल का तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो पूरा तरीके से अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब लास्ट में जब आप दोस्तों इसको सेव करोगे, सेव करने से पहले इसके कुछ कोड है इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पर जाकर आप सब सभी कोड देख लेंगे कि यदि आपको किस किस कोड को भेजकर आप क्या क्या कर सकते हो जब आपका मोबाइल खो जाएगा। ठीक है, आप अपने मोबाइल को ब्लॉक भी कर सकते हो, उसके लॉक चेंज कर सकते हो उसका, ठीक है, रिमोटली सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद आप इसको सेव जैसे ही कर देंगे
तो ये जो सेटिंग है ये पूरी तरह से गायब हो जाएगी आपके मोबाइल से। जब आप ये कोड दोबारा डायल करेंगे तभी ये सेटिंग ओपन होगी। और दोस्तों यदि आप इसको यूज करने के बाद खुद ही डिलीट करना चाहते हो बाद में, तो सबसे पहले आप सिक्योरिटी सेटिंग में जाकर अपने मोबाइल के एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन को बंद कर देंगे इस एप्लीकेशन की, और उसके बाद ऐप मैनेजर वाले सेटिंग में जाकर इस एप्लीकेशन का नाम ढूंढकर वहां से इसको डिलीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका लिंक ऊपर आ चुका है, यहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज वीडियो को लाइक करना। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।